तो अब हम ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ते हैं चयुक्त राज अमेरिका उसका विस्तार भौगोलिक विस्तार उसका आधुनिकीकरण ये सब जानने के बाद अब हम विस्थापन को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के नक्शे पर एक बार फिर से नजर डालें देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक और उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर से पूर्व में प्रशांत महासागर दक्षिण में दक्षिण महासागर उससे घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी दूर पर पूर्व में न्यूजीलैंड है एकमात्र क्षेत्र जहां लोग रहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से इतना निकट है और न्यूजीलैंड जो है वो बहुत सारे टापुओं का एक संगठन है विश्व के नक्शे में आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया की खासियत यह है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और इस नक्शे में भी यदि आप देखते हैं तो मूल रूप से बहुत कम सिद्ध शहर है और अधिकतर इलाका आज भी बैरन है ऐसा माना जाता है कि एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां दो थानों, थाना पुलिस थाने के बीच में की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है यानी 800 किलोमीटर तक वहां कोई पुलिस थाना नहीं है अर्थात वहां कोई लोग रहते नहीं होंगे इसीलिए इतनी दूरी रखी गई इस नक्शे को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं इसके विस्थापन की प्रक्रिया को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को समझने के बाद अब हम आते हैं यहाँ के मानव विकास की कहानी को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया में लोग आए कहाँ से इतना अलग जो भूस्थल है मेनलैंड से इतना दूर जो है आए कहाँ से क्यों आए कैसे इनकी जीवन यात्रा अनादिकाल से चल रही है बहुत से सवाल हैं समाज वैज्ञानिकों ने मानव शास्त्रियों ने कुछ इस पे जो जानकारी इकट्ठी की है उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास बड़ा लंबा है बहुत लंबा काल मूल निवासियों को यहाँ के एबोरिजिन कहते हैं आपको याद होगा मैंने शुरू में ही एबॉरिजिन शब्द का उपयोग किया था और उसका अर्थ बताया था ये मूल निवासी अधिकतर इस शब्द का उपयोग ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के संबंध में होता है अब ऑरिजिन शब्द का उपयोग ये ऐसा माना जाता है कि लगभग चालीस हजार वर्ष पूर्व इनका यहां आना शुरू हुआ और हो सकता है इससे पहले भी संभवतः इससे पहले भी ये लोग यहां आने लगे थे मानो विज्ञान शास्त्रियों का कहना है कि ये जो एबॉरिजिन थे ये उसी से लगी हुई एक भूमि एक भू सेतु जिसे न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है इस न्यू गिनी क्षेत्र से इनका आना शुरू हुआ मूल निवासियों की अपनी जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से तो कहा जाए तो ये आए नहीं थे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे बल्कि वहीं के थे परंपरा के अनुसार कुल मिला के निष्कर्ष ये कि सबसे पूर्व आदि मानों की जो जानकारी है वह लगभग चालीस हजार वर्ष पूर्व या संभवतः उससे भी पहले की है जो ऑस्ट्रेलिया में आ गए ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये लोग सेटलर नहीं थे कहीं से आके बसे नहीं थे इसलिए इनके लिए सेटलर शब्द का उपयोग करना गलत होगा एब अठारवी सदी यानी सत्रह सौ अस्सी नब्बे के दशक में ऑस्ट्रेलिया के मूल समुदायों की यदि हम बात करें तो करीब 350 से 700 समुदाय वहां थे मूल निवासियों के समुदाय एक तरीके के कबीले ही समझ लीजिए जिनकी अपनी अपनी परंपराएं होंगी अपनी अपनी भाषा होगी अपना अपना जीवन शैली रहन सहन होगा इनकी संख्या कितनी थी साढ़े तीन सौ से ऊपर लगभग सात सौ के आसपास इसके बीच इनकी अपनी अपनी भाषाएं थी अपनी अपनी बोली थी आज भी इनमें से करीब 200 भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ के स्थानीय समुदाय द्वारा वहाँ के मूल निवासियों द्वारा इन्हीं मूल निवासियों में से एक जिसे हम देसी लोग कह सकते हैं वहीं के पुराने निवासी कह सकते हैं इन लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में रहता है बड़ा विशाल समुदाय है ये और इसे हम टारस स्ट्रेट आइलैंडर्स कहते हैं इन लोगों को क्या कहा जाता है टारस स्ट्रेट आइलैंडर्स। लैंडर्स एबोरिजिन जो शब्द है वो इनके लिए इसका उपयोग नहीं होता ये आइलैंडर्स कुछ अलग ही थे इनकी प्रवृत्तियां इनका रहन सहन कुछ अलग ही था इसलिए ये लोग एबोरिजिन नहीं कहलाते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग कहीं से आए थे और दूसरा ये नस्ल ही अलग है इनका जो रेस है नस्ल नस्ल ही थोड़ी अलग है तो ये टारा स्ट्रेन आइलैंडर्स की संख्या बड़ी विशाल उत्तर में स्थित मूल निवासी न मानते हुए इन्हें अबोरिजिन नहीं कहा जाता और इनकी नस्ल ही कुछ अलग है कुल मिलाकर यह ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दो दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा है टू पॉइंट फोर परसेंट मैंने जैसे शुरू में बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो है वो बड़ी छितराई हुई है बड़ी फैली हुई है और ज्यादातर शहर समुद्र के किनारे ही हैं जैसे आप इस नक्शे में आपने देखा और देख रहे हैं सिडनी मेलबर्न एडिलेड कैनबरा uh, जो वहाँ की राजधानी है वो भी लगभग समुद्री तट पर ही है और बीच का इलाका बहुत बड़ा इलाका विशाल भूमि लगभग बैरन है uh, कहीं तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि करीब 800 किलोमीटर की दूरी तक कोई पुलिस थाना नहीं है यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि कोई निवासी रहते नहीं वहाँ पे इतना वो छितरा फैला हुआ वहाँ की जनसंख्या है जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार आए वही समुद्री इलाके समुद्री तटीय इलाके शहर के रूप में आज विकसित हैं क्योंकि बीच का जो इलाका है बड़ी शुष्क मरुभूमि है किनारा समुद्री किनारा जहां ब्रिटिश आए सत्रह सत्तर के आसपास बस वहीं पर विकास हुआ है वहीं पर शहरीकरण है वहीं पर सभ्यता है और सभ्यता का अर्थ वहीं पर ये अप्रवासी लोग आके बसे बाकी बीच का जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का वो शुष्क मरुभूमि है 1770 में यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे? ऑस्ट्रेलिया में यूरोपी मूल निवासियों और उन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध है उसका जो किस्सा है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है वो किस्सा लगभग लग वैसे ही वैसा है जैसा अमेरिका का अमेरिका के बारे में हमने जाना कि कैसे मूल निवासियों और यूरोपियनों के बीच में ज़मीन को लेकर एक तरीके से संबंध शुरू होता है जो आगे बढ़ते 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 एक कटिता का रूप लेता है फिर कैसे मूल निवासी वंचित कर दिए जाते हैं ज़मीनी अधिकार से आदि आदि तो यहाँ की कहानी भी लगभग वैसी ही है हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थों की आरंभिक रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है कैप्टन कुक का जिक्र ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बार बार आता है कैप्टन कुक जिसने समुद्री मार्ग से ये लंबी दूरी तय की थी मूल निवासियों के साथ मुलाकात को लेकर इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं उत्साहपूर्ण हैं यद्यपि बाद में इन लोगों का बड़ा दोस्ताना व्यवहार होने के बावजूद कैप्टन कुक की हत्या कर दी गई और वो हत्या करने वाला वहाँ का एक मूल निवासी ही था जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट जेम्स कुक का कैप्टन कुक का वृत्तान्त स्पष्ट करता है कि बड़े दोस्ताना व्यवहार थे वही जैसा अमेरिका में था लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश एक मूल निवासी द्वारा कुक की हत्या कर दी जाती है ये जो हत्या हुई ये हवाई में ऑस्ट्रेलिया में नहीं तब अंग्रेजों का रवैया मूल निवासियों के प्रति पूरी तरह से शत्रुता का हो गया कैप्टन कुक की हत्या के बाद से रिश्तों में खटास आती है और शत्रुता की नजर से मूल निवासियों को अंग्रेजों द्वारा देखा जाने लगा इस तरह से एक घटना जो है ये वाली घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा दूसरों के खिलाफ किए गए व्यवहार को साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई ये एक घटना इंग्लैंड द्वारा अपने से कमजोर जो उपनिवेश के लोग थे उन पर शोषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे ये उदाहरण बार बार दिया जाने लगा कि मूल निवासी जो हैं ये एक तरीके से हिंसक व्यवहार करते हैं हिंसक व्यवहार किया है तो अपने काउंटर हिंसक व्यवहार के औचित्य को सही साबित करने के लिए इस घटना का बार बार उपयोग किया जाने लगा वर्णन किया जाने लगा अर्थात कुक की हत्या के बाद अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों के मूल निवासियों के प्रति सद्भावना की बात तो दूर मित्रता की बात तो दूर अब शत्रु पूर्ण रवैया दृष्टिकोण अपना लिया कैप्टन कुक की यह घटना इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, बदलते संबंधों की शुरुआत को लेकर संक्षिप्त में एक बार फिर यदि हम देखें तो 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले देखा था डच यानी हॉलैंड के लोग सोलह में तस्मान इस टापू पर पहुंचता है और उस टापू का नाम उसके नाम पर तस्मानिया कर दिया जाता है तस्मानिया 1770 में जेम्स कुक यहाँ की एक खाड़ी है जिसे बटनी खाड़ी कहते हैं वहाँ पहुँचता है और उसका नाम देता है न्यू साउथ वेल्स न्यू साउथ वेल्थ का नामकरण उस क्षेत्र का नामकरण जेम्स कुक के द्वारा होता है 1770 में और 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती ऑस्ट्रेलिया में बसाई जाती है जिसके फलस्वरूप वहाँ पर कुछ परिवर्तन आते हैं ब्रिटेन में जिन लोगों को सजा दी गई उनकी बस्ती आपको याद होगा औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हुए औद्योगिक क्रांति के अध्याय में एक विवरण आया था जिसमें बताया गया था कि कैसे मजदूरों ने बड़ी संख्या में विद्रोह किए और हिंसात्मक कदम उठाए थे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज सरकार ने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया था चार सौ पचास लोगों को देश निकाले की सज़ा देकर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और नौ लोगों को फांसी की सज़ा दी थी ये वही ऑस्ट्रेलिया है जहां सत्रह में घटना के फलस्वरूप मजदूरों को देश निकाला दे दिया गया था ये सब जानने के बाद हम देखें कि यूरोपियनों के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की स्थिति में क्या परिवर्तन आया अब यूरोपियन आ गए एक परिवर्तन तो हमने यह देखा कि दोस्ताना व्यवहार अब दुश्मनी शत्रुता के व्यवहार में बदल गया जेम्स कुक की घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया का उपयोग देश निकाला की सजा देने के लिए मजदूरों को भेजा गया आर्थिक रूप से क्या परिवर्तन आया? यूरोपीय बस्तियों के अधीन जो ऑस्ट्रेलिया का जो आर्थिक विकास है वो अमेरिका जैसा नहीं है वहां पर कुछ और ही रवैया अपनाया गया अंगूर के बाग, चावल की खेती भेड़ों के बड़े बड़े फार्म भेड़ों से ऊन मिलता है उनके बड़े बड़े फार्म और सोने की खदानें। ये चीज़ें एक लंबे प्रयास के बाद सतत प्रयास के बाद बहुत लंबे काल में वहाँ पे विकसित की गई मैं दोहरा दूँ पुनः अंगूरों के बाग, चावल की खेती और भेड़ों के बड़े बड़े फार्म हाउस और सोने की खदानें बड़े लंबे काल में इसका विकास किया गया और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सम्पन्नता की बुनियाद रखी ये जो बातें हुई यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के विकास ऑस्ट्रेलिया के आदनी के कारण ऑस्ट्रेलिया के सम्पन्नता की बात शुरू होती है 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी तब उसके लिए वुल गोल्ड नाम का भी सुझाव दिया गया अंततः उसका नाम रखा गया कैनबरा वूल व्हीट गोल्ड ये एक नाम राजधानी के लिए 1911 में प्रस्तावित था पर अंत में उसका नाम कैनबरा रखा गया कैनबरा का अर्थ है सभा स्थल वहाँ की भाषा में कैनबरा अंग्रेजी में नहीं वहाँ की स्थानीय भाषा में कैनबरा का अर्थ है सभा स्थल ऐसी जगह जहाँ सभा होती है तो कैनबरा नाम वहीं आया और वर्तमान में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये जो अंगूरों के बाग थे या भेड़ों के फार्म हाउस थे बड़े बड़े उसमें काम करने के लिए वहाँ के मूल निवासियों का उपयोग होता था जैसे अमेरिका में दासों को बुलाया गया था प्रारंभ में मूल निवासियों को लिया गया बाद में अफ्रीका के लोगों को अमेरिका में लाया गया और दास के रूप में उनका उपयोग हुआ ऑस्ट्रेलिया में दास प्रथा के स्थान पर वहीं के मूल निवासियों का उपयोग किया जाने लगा जिनका बड़ा शोषण भी हुआ उनके साथ एक तरीके से दास जैसा ही बर्ताव किया गया कालांतर में जब चीनी लोग वहां आए चीनी अप्रवासी आए तो उन्होंने सस्ते में काम करना शुरू किया यानी स्थानीय मजदूरों की तुलना में चीनी मजदूर ज्यादा अब लिए जाने लगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तीव्रता से गैर गोरों की निर्भरता बढ़ रही थी उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही थी गैर गोरों की निर्भरता का तात्पर्य है कि काम करने के लिए जिस तरीके से यूरोपियन लोग मूल निवासियों पर या अप्रवासी चीनियों पर निर्भर होते जा रहे थे दूसरी ओर इनकी संख्या भी बहुत बढ़ती चली जा रही थी यानी मूल निवासियों की या अप्रवासी चीनियों की संख्या बढ़ने लगी चीनियों की इस बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित होकर अंततः वहाँ की सरकार ने चीनियों को प्रतिबंधित ही कर दिया उन पर आने से रोक लगा दी अप्रवासियों के आने से रोक लगा दी और उन्नीस तक इस बात का भय लोगों के मन में बना था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो गहरे रंग वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह की एक नई दुनिया थी एक अनएक्सप्लोर्ड लैंड था उम्मीद थी लोगों को कि जैसे अमेरिका में आप प्रवासियों ने जाकर वहाँ अपनी नई दुनिया बसाई है अपना विकास किया है आर्थिक उसी तरह शायद ऑस्ट्रेलिया में भी यह संभव है तो इसलिए 1974 तक ये शंका लगातार वहाँ के लोगों में बनी थी कि दक्षिण एशिया के लोग या दक्षिण पूर्व एशिया के लोग जो गहरे रंग के होते हैं ये लोग शायद बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया पलायन कर जाएं वहां पनाह लें और इसीलिए गैर गोरों को बाहर रखने की नीति सरकार ने वहां बड़ी सख्ती से उस पर अमल किया ये प्रतिक्रिया किसकी प्रतिक्रिया गैर गोरों की संख्या बढ़ती हुई संख्या की प्रतिक्रिया यूरोपीय लोग जहां तक यूरोपियों की बात है यूरोपीय लोगों के समय मूल निवासियों ने ऑस्ट्रेलिया में खतरे को नहीं देखा था क्योंकि वे गोरे थे जब तक यूरोपीय लोग आ रहे थे उनका स्वागत था और स्वागत नहीं था तो कम से कम उनका कोई विरोध नहीं था किसी तरह की खतरे की सोच नहीं थी फिर भी उन्नीसवी और बीसवीं सदी के दरमियान अपनी जमीन खोने के चलते और यूरोपियनों के साथ हुई लड़ाई में लगभग नब्बे फ़ीसदी मूल निवासियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी ब्राज़ील में ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का विशाल देश वहाँ पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद किया था जब हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर उदारू कर दिया था यही प्रतिक्रिया यहाँ हो रही थी मैं फिर से दोहरा दूँ ब्राजील में पुर्तगाल के कैदियों को बसाने का प्रयोग हुआ और ये प्रयोग बाद में बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये हिंसा का रूप ले लिया मूल निवासियों के प्रति हिंसा पर ये लोग उतारू हो गए थे आखिर ये लोग कैदी के रूप में वहां बसाए गए थे तो एक कॉम्प्लेक्स उनके मन में अलग से था ही इसी उदाहरण को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर शुरुआती अंग्रेज इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और जब उनकी सजा या दंड की मियाद पूरी हो गई तो उन्हें ब्रिटिश वापस न लौटने की शर्त में ऑस्ट्रेलिया में ही स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई दंड दिया गया मजदूरों को औद्योगिक क्रांति के दरमियान और उसके पूर्व में भी और दंड स्वरूप उन्हें देश निकाला में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया लेकिन जब तक वे सजा याफ्ता थे जब तक वे सजा पा रहे थे तब तक वो कैदी की तरह थे पर बाद में दंड का काल पूरा करने पर उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे ऑस्ट्रेलिया में ही बस सकते हैं वहीं स्वतंत्र रूप से निवासी रह सकते हैं और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इलाके में रहने के लिए उन्हें जमीन दी गई खेती के लिए सामान दिया गया और जमीन से मूल निवासियों को हटाने में कोई हिचक नहीं दिखाई यानी यहाँ मूल निवासी किस लिए हटाए गए ताकि वे जो लोग सजा के रूप में भेजे गए थे उनको यहाँ का स्थाई निवासी बनाने के लिए कुछ लोभ दिया जाए यूरोपियनों की बात कर रहा हूं और उस लोभ के तहत उन्हें जमीन दी जाए उपजाऊ जमीन जिसमें खेती हो सके और खेती के लिए उपजाऊ जमीन कहाँ से दी जाए इन्हीं मूल निवासियों से को बेदखल करके तो इस प्रकार यहाँ पर स्थिति थोड़ी बदली हुई है अमेरिका में दूसरी परिस्थितियों में मूल निवासियों को खदेड़ा गया यहाँ पर मूल निवासियों को खदेड़ने का कारण था यूरोपियनों द्वारा दंडित लोगों को बसाए जाने के फलस्वरूप मूल निवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ा जाने लगा और इसमें इन अंग्रेजों ने इन यूरोपियनों ने कोई हिचक नहीं दिखाई यहां पर यह सोचना जरूरी है कि आज जो देश अपने को इतना सभ्य कहते हैं चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो या यूरोप के देश हो ये देशों ये देश जो आज अपने को सभ्य कहते हैं आज से मात्र 200-300 वर्ष पूर्व के सारे घटनाक्रम बताते हैं कि ये कितने असभ्य थे तो ये एक विचार मंथन एक सोचने का मुद्दा भी है कि समय के साथ कैसे इन्होंने अपने को बदला है और आज अपने को ये सभ्य कहते हैं और इनके सभ्यता की नींव कितनी निर्तम निर्ममता में कितने शोषण में डली यदि औद्योगिकरण हुआ यूरोप का तो उसके पीछे कितना शोषण था इसे हम औद्योगिक क्रांति के अध्याय में पढ़ चुके हैं विस्थापन भी यही शोषण का परिणाम है यदि आज गोरे लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और वहाँ उनका दबदबा है तो उसके पीछे की कहानी यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि ये लोग आज जो भी हैं इसके पीछे 200-300 वर्ष का शोषण मूल निवासियों के प्रति दुर्भावना रही है